इस्लामिक मान्यता के अनुसार इनमें से कौन पैगंबर नहीं थे? अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रॉफिट? ए एडम, बी मोहम्मद, सी मूसा, डी जिब्री। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाए घड़ीमान जी, इस प्रश्न को बदलना चाहेंगे आप? जी सर। ऑलराइट कबीर जी, असीम इस प्रश्न को बदलना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले असीम हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर मूसा। मूसा। मूसा करेंगे। कबीर महाशय, सी मूसा पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता असीम, सही उत्तर है जिब्री। पैगंबर मूसा के अलावा आदम पहले पैगंबर थे, मोहम्मद आखिरी पैगंबर, जिब्रील वो फरिश्ते थे जिन्होंने कुरान का खुलासा पैगंबर मोहम्मद के सामने किया था। भेजी इंदौर का कोई बहुत बड़ा तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा लड़का इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ है और उसको तीन ऑप्शन दिए जाते हैं कि ये बताओ इनमें से कौन नबी नहीं है। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो वो इंदौर का मुसलमान नाम का नाम नहीं लूंगा इसलिए कि किसी की इज्जत का भी ख्याल है। मुसलमान नाम का लड़का कहता है कि मूसा नबी नहीं है। और लुक्मा कौन दे रहा है आपको पता है? लुक्मा कौन दे रहा है? अमिताभ जैसा शख्स वहां बैठ करके लुक्मा दे रहा है कि नहीं जिब्रील नबी नहीं है बल्कि जिब्रील फरिश्ता है और वो नबियों के पास वही लाया था। जो मुसलमान नहीं है वो लुक्मा दे रहा है और जो मुसलमान है वो कहते हैं मूसा नबी नहीं है। ये हालत है, यानी डिग्री तो आपने दिलवा दी, ईमान कहां है, दीन कहां है? ऐसे मां बाप कयामत के दिन जहन्नम का ईंधन बनाए जाएंगे। अपने बच्चों को वकील बनाने की फिक्र है, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने की फिक्र है, अपने बच्चों को जज बनाने की फिक्र है, अपने बच्चों को मुसलमान बनाने की फिक्र क्यों नहीं है? तुम डॉक्टर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, जज भी बनाओ, लेकिन पहले मुसलमान बनाओ। इसलिए कि आपका बच्चा अगर दुनिया की डिग्री लेगा तो दुनिया में इज्जत का जरिया तो बन सकता है, आखिरत में निजात का जरिया नहीं बन सकता, लेकिन तुमने उसको अगर कामिल मोमिन बना दिया तो इंशाअल्लाह दुनिया में इज्जत का जरिया भी है, आखिरत में निजात।